हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप मूवी अपलोड करके पैसे कमा सकते हैं, वो भी कॉपीराइट लिए बगैर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटे के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो ये कुछ स्टेप हैं जो हमें आज की इस वीडियो में फॉलो करने हैं, तो आप देख सकते हैं। स्टेप नंबर वन, क्रिएट अकाउंट। तो स्टेप नंबर वन पर हम आ जाते हैं ब्लॉगर पर, और यहाँ पर blogger.com पर आ जाते हैं। हम न्यू ब्लॉग क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर आपको टाइटल लिखते रहें जो अभी आप लाइक मैंने माई मूवी लिख दी है, और उसके बाद मैं माई मूवी फिर से लिख देती हूँ, पर ये अवेलेबल नहीं है, ये जो मैन अवेलेबल नहीं है, तो मैं लिख देती हूँ M1 मूवी, पर ये भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं कुछ और ट्राई करूँगी। तो उसके बाद ये अवेलेबल नहीं है, तो मैं लिख देती हूँ माई डेली मूवीज, तो ये वन लिख देती हूँ, तो ये अवेलेबल है। तो इसके बाद इसे सेव कर लेती हूँ। तो सेव करने के बाद आप इस इंटरफेस पर आ जाते हैं। आप देख सकते हैं ये कैसा इंटरफेस है, तो ये कुछ होता है, पर मुझे थीम इसकी अच्छी नहीं लगी, तो मैं इसकी थीम चेंज कर दूँगी। तो मैं ये वाली थीम सेलेक्ट कर लेती हूँ, मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही, तो मैं ये वाली सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो हम जाते हैं लेआउट वगैरह पर, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद स्टेप नंबर टू, कंटेंट क्रिएशन। तो स्टेप नंबर टू पर हम आ जाते हैं न्यू पोस्ट पर, और हम यहाँ पर पोस्ट लिखते हैं, जैसे कि ये वीडियो, अगर आपको कोई भी मूवी लाइक जो भी करनी हो उसको यूट्यूब पर लाइक करें, उसका टाइटल को कॉपी करें, यूट्यूब पर प्ले करें और उसके टाइटल को कॉपी कर लें, और उसके बाद उसको लाइक ऐसे ही पेस्ट कर दें जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा लार्जेस्ट कर दूँगी, इसका लाइक थोड़ा फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दूँगी, मुझे सही नहीं लग रहा था, पर नहीं सही है, लाइक आई थिंक सही है। उसके बाद इसे थोड़ा मीडियम लार्ज करूँगी, पर लार्ज में भी लाइक सही है, पर मुझे थोड़ा और बड़ा चाहिए, तो मैं लार्जेस्ट कर दूँगी, तो मैंने इसे लार्जेस्ट कर दिया है, इसे भी लार्जेस्ट कर दूँगी, और इसे लाइक नहीं करूँगी, मूवी इंग्लिश को हटा दूँगी, अब सही आ गया। तो इसे मैं सेंटर में कर देती हूँ, तो ये लाइक कुछ और ही हो गया, ये सही है। तो इसे क्योंकि ये बस ट्राई कर रही हूँ कि इससे क्या होता है, तो लाइक मुझे तो वैसे पता है और वैसे आपको बता रही हूँ, तो इसको पर अगर आप करेंगे तो उधर चल जाएगा सारा टेक्स्ट, तो अगर दूसरे वाले को प्रेस करेंगे तो इधर आ जाएगा, तो ये इजी है। तो उसके बाद मैं देख लेती हूँ इसकी लाइक ये जो हमारी मूवी है इसकी कोई पिक्चर डाउनलोड कर लेती हूँ, ये वाला मुझे अच्छा लगा, एल्बम पिक्चर जो हमारे लाइक पोस्ट में दिखेगी आर्टिकल के लिए। तो उसके बाद मैं कैमरा पर जाके इसे स्टार्ट कर देती हूँ, इसे कुछ कस्टमाइज़ करना है मुझे, तो वो कर देती हूँ, तो मैंने इसे थोड़ा कस्टमाइज़ कर देना है। मुझे ये थोड़ी सही लग रही है, तो उसके बाद इस पर थोड़ा फिल्टर वगैरह लगा देती हूँ, ये वाला फिल्टर सही है। उसके बाद मैंने इसे सेव कर देना है। तो सेव करने के बाद हम यहाँ आ जाते हैं, इसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाइक अपलोड कर देते हैं इस पिक को, और इसे थोड़ा लाइक बड़ा कर देती हूँ, बिकॉज ये बहुत ही छोटी लग रही है। तो उसके बाद हम लाइक कर देते हैं, इसे थोड़ा एडजस्ट करते हैं, सेंटर में ले आते हैं और इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें लिखना है आर्टिकल, तो इसका जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह है मूवी का वो लिखना है। हम आ जाते हैं चैट जीपीटी पर, और यहाँ पर लिख देते हैं राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस मूवी, और मूवी का नाम लिख देना है आगे। तो आप देख सकते हैं ये चैट जीपीटी ने डिस्क्रिप्शन लिखा है, पर ये मुझे थोड़ा सही नहीं लगा है, मुझे नहीं अच्छा लगा, तो उसके बाद मैं रीजनरेट पर क्लिक कर दूँगी। तो उसके बाद आप देख सकते हैं ये लिखा है चैट जीपीटी ने, मुझे ये थोड़ा सही लग रहा है, तो लाइक डिस्क्राइब्ड है तो सही है, तो मुझे इसे कॉपी करके मैं अपने नोटपैड पर पेस्ट कर दूँगी, बिकॉज डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट करते तो ये मसला हो रहा है,
तो फिर उसके बाद नोट पैड पर पेस्ट करके इसे कॉपी करके फिर ये जो हमने पहले पेस्ट किया तो इसे डिलीट कर दूँगी बारी बारी सबको, तब फिर से पेस्ट कर दूँगी यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर अपलोड कर दिया है, उसके बाद इसे मैं लाइक पढ़ूँगी कि कैसे लाइक सही है या नहीं और इसमें कुछ चेंजेस करनी है या नहीं। तो देख सकते हैं मैं सारा पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पर लीड एक्टर का नाम लिखना है जेसन सन सिस्टम, तो यहाँ पर लीड एक्टर का नाम लिख दूँगी, इसे थोड़ा स्मॉल कर दूँगी और उसके बाद देख लीजिए मैं पढ़ रही हूँ सारा कि ये सही लिखा है या नहीं, और कुछ चेंजेस अगर मुझे करने होंगे तो मैं इसमें कर लूँगी। तो मुझे लीड एक्ट्रेस का भी सही नहीं लगा, तो सिर्फ नेम को हटा के लीड एक्ट्रेस सही है विद लीड एक्ट्रेस। आप ब्रिलियंट हैं, लाइक सारा सही है और मुझे सब सही लगा, सब कुछ मैंने पढ़ लिया। ये लास्ट लाइन रह गई थी, ये भी पढ़ ली। तो उसके बाद मैं इसे थोड़ा लाइक अगर ऐसे एकदम से सारा टेक्स्ट देखेंगे तो जो व्यूवर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट पर आते हैं वो बोर हो जाएंगे, तो इसलिए मैं इसे लाइक लाइन बाय लाइन स्पेस दे रही हूँ ताकि ये रीड करने में पढ़ने में आसानी हो। तो कुछ लोग तो डिस्क्रिप्शन भी पढ़ते हैं तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सही कर दिया ताकि पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि वैसे एक साथ सारा टेक्स्ट देख कर लाइक बोर हो जाते हैं रीडर्स। तो ये मैंने सही कर दिया, इसका सही हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये नाम लिख दूँगी द सेवियर मूवी का, ये नाम लाइक गलती से हट गया था द सेवियर टू, तो इसे बिग कर दूँगी लार्जेस्ट। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर लाइक कर देना है मैंने लाइक लिंक ऐड कर देनी है, उसके लिए मुझे टेक्स्ट ऐड करना होगा। उसके लिए बस मैं ये आपको बता दूँगी कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो ये नहीं, इससे आप वीडियोस वगैरह अपलोड कर सकते हैं। तो पहले हमें करना होगा यहाँ पर ऐड कर देना है, क्लिक मैं लिखूँगी टू वॉच क्लिक हेयर, तो इसको मैंने सही से लाइक कलर वगैरह कर देना है, लार्ज कर दिए कलर वगैरह कर देना है। उसके बाद हम चले जाते हैं स्टेप नंबर 3 पर ऐड मूवी। तो स्टेप नंबर 3 पर हम आ जाते हैं एंड ये हमने कलर वगैरह कर दिया तो इसमें मूवी ऐड कर देनी है। तो हम लाइक चले जाएंगे, ये तो वैसे ही ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर कोई इमोजी वगैरह लगाना हो तो आप इससे लगा सकते हैं तो कोई भी सर्च करके। उसके बाद मैं चली जाती हूँ यूट्यूब पर, जो आपको मूवी लाइक करनी होगी ऐड करनी होगी तो उसको शेयर करके उसका कॉपी लिंक को कॉपी करके तो यहाँ पर लिंक के बटन पर ये वाले पर जाकर यहाँ पर पेस्ट करके और ये हमें चेक बॉक्स कर देना है, चेक कर देना है दोनों को। तो ये मुझे सही लग रही है तो हो गया। उसके बाद मैं इसे एक बार चेक कर दूँगी कि ये चलती है या नहीं, अगर कोई रीडर आए तो चलेगी या नहीं, तो चलती है तो ये चल जाएगी। तो उसके बाद अब देख लेते हैं मोनेटाइज कैसे करेंगे आप इस ब्लॉग को। उसके बाद आप यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं स्टेप नंबर 4 मोनेटाइजेशन। तो स्टेप नंबर 4 में हम देख लेते हैं आप मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं अपने ब्लॉग को। आप देख सकते हैं ये आपको ब्लॉग है और आपको मोनेटाइज करना है, तो आपको एड स्टेरॉप कर लेना है, ओपन कर लेना है आप यहाँ पर लाइक ये बेस्ट ऐड है। लाइक अगर आपको कोई भी कॉपीराइट कंटेंट मोनेटाइज करना होगा तो आप ऐड स्टीरर से कर सकते हैं, मूवीज़ वगैरह ड्रामास वगैरह कोई भी लाइक चीज़ें आप ऐड स्टीरर से मोनेटाइज करा सकते हैं। गूगल एडसेंस आई डोंट थिंक सो कि मूवी करता है मोनेटाइज मूवीज़ वगैरह, तो उस पर कॉपीराइट वगैरह आ जाते हैं तो फिर नहीं करता गूगल एडसेंस कॉपीराइट कंटेंट को मोनेटाइज, पर एड स्टीरा करता है। एड स्टीरा आपके हर लाइक हर कंटेंट को मोनेटाइज करता है, तो आपको कैसे करना है मोनेटाइज वगैरह प्रोसेस, कैसे इसके एड्स लगाना है अपनी वेबसाइट पर, वो आप यूट्यूब पर कहीं भी देख सकते हैं सर्च करके।
यूट्यूब पर सर्च करके आप देख सकते हैं कि कैसे आप अपनी वेबसाइट पर ऐड लगा सकते हैं, वो भी ऐड स्टेटस से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए।